कहीं भी जाता हूं तो आज लोग मुझे जानते हैं बाढ़ के यूट्यूबर के नाम से। आगे जाकर के आपको बनने वाला है बस स्टैंड, और ये बस स्टैंड हाईटेक बस स्टैंड रहेगा, और यहां से आपको सभी जगह जाने के लिए गाड़ियां खुलेगी। तो ये लगभग कब तक तैयार हो जाएगा ऑटो स्टैंड यहाँ? ऑटो स्टैंड आपका मिनिमम तो 2 हफ्ते में आपका तैयार होकर मिल जाएगा। तो जितने भी अपार्टमेंट बनेंगे सब में इसी ईंटे का उपयोग किया जाएगा। आपको दूर दूर तक यहाँ से ग्राउंड दिखाई दे रहा होगा, तो ये ग्राउंड नहीं, ये अपार्टमेंट के लिए एक स्पेस है जहाँ रेलवे के काफी सारे अपार्टमेंट बनेंगे। टॉयलेट बन गया है 4 नंबर में। हाँ। 1 नंबर में भी टॉयलेट बन रहा है 1 नंबर में। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आज आ चुका हूँ बाढ़ के रेलवे स्टेशन, और जैसा कि आपने थंबनेल में देख के समझ गया होगा कि आज आया हूँ बाढ़ रेलवे स्टेशन के अपडेट्स लेने के लिए, क्योंकि बाढ़ रेलवे स्टेशन एक हाईटेक रेलवे स्टेशन बनने वाला है और रेलवे स्टेशन में काफ़ी सारे अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हैं कि जितने भी आप लंबे रोड देख रहे हैं, ये बनने वाला है यहाँ पर, एक आगे जा कर के आपको बनने वाला है बस स्टैंड, और ये बस स्टैंड हाईटेक बस स्टैंड रहेगा, और यहाँ से आपको सभी जगह जाने के लिए गाड़ियाँ खुलेगी। तो जैसा कि मैं आपको घुमाता हूँ आगे चलकर, तो देख सकते हैं ये बाढ़ का रेलवे स्टेशन है जो आप पीछे बाउंड्री की उस तरफ देख रहे हैं। नाम क्या हुआ? हमारा नाम है रंजीत। रंजीत जी, तो रंजीत जी, ये इस एरिया में क्या बन रहे हैं बता सकते हैं? मोटरसाइकिल स्टैंड है उधर, इधर मोटरसाइकिल स्टैंड बन रहा है, और उस तरफ टेम्पू स्टैंड, और इस वाले एरिया में क्या बन रहा है? रोड बनेगा, और उस वाले एरिया में जो बन रहा है वहाँ पर रोड बनेगा। तो लगभग बजट कितने का है रंजीत जी, लगभग आप बता सकते हैं? अभी नहीं जानते हैं। तो सुनने में आ रहा है कि 24 करोड़ का बजट है, सही बात है? नहीं जानते हैं। तो असिस्टेंट बन चुका है, और शायद सुन ये टेम्पू स्टैंड है, गाछ के उधर टेम्पू स्टैंड बन रहा है ना, फिर बीच में पार्क है। ओ, पार्क भी यहाँ पर बन रहा है। लाइट फाइट लगेगा, फूल पत्ती। जो ये एरिया आप देख रहे हैं इसमें बनेंगे पार्क, और ये नॉर्मल पार्क नहीं, जो बाढ़ के हाईटेक पार्क में इसकी गिनती होगी। और जैसे कि आपने बाढ़ बाजार में एक पार्क देखा होगा, जगन्नाथन पार्क जिसका नाम है, तो उससे भी काफ़ी बेटर पार्क बनेगा यहाँ पर इस एरिया में। और जो आपने वहाँ पर देखा है साइकिल स्टैंड बाइक स्टैंड जो आपने वहाँ पर देखा है जो बना हुआ है, तो वो टूट करके रोड बन जाएगी सीधा। वो जितने भी साइकिल स्टैंड आपने वहाँ पर देखा है वो टूट करके रोड एक निर्माण हो जाएगी, वहाँ से रोड निकलेगी, और इस एरिया में बनाया जाएगा साइकिल स्टैंड बाइक स्टैंड और सभी कुछ रहेगा इस एरिया में जो वहाँ से आप देख रहे हैं। तो लगभग ये कुछ अपडेट्स था बाढ़ रेलवे स्टेशन का, तो मैं दिखाने आ गया आपको। और देख सकते हैं इसमें आपको दीरा वाला मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, राख का, ये दीरा वाला राख है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दीरा वाले राख का उपयोग किया जा रहा है इस रेलवे स्टेशन को बनाने में। और यहाँ पर लाल मिट्टी, लाल पत्थर सभी मिक्स करके बनाया जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट्स है बाढ़ रेलवे स्टेशन का, और अभी मैं चल रहा हूँ उस तरफ, इंजीनियर सर से मैं मिल लिया। तो सर आपका नाम क्या हुआ? नीतीश जायसवाल। और नीतीश जायसवाल सर है यहाँ पर, तो जैसे कि बता सकते हैं अपडेट्स में यहाँ पर क्या बनाए जा रहे हैं? बन रहे आपका ऑटो स्टैंड, इस टाइम आपका इसके ऊपर प्रोग्रेसिंग है, डीएलसी वर्क हो रहा है। तो ये लगभग कब तक तैयार हो जाएगा ऑटो स्टैंड यहाँ? ऑटो स्टैंड आपका मिनिमम तो 2 हफ्ते में आपका तैयार होकर मिल जाएगा, क्योंकि अभी डीएलसी हो रहा है, इसके बाद आपका फाइनल होता है। मतलब इस ईयर में ओपनिंग सारे यहाँ के वहाँ पूरा फाइनल हो जाएगा, मतलब इस साल में लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ से दूर दूर तक बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, आपका बाइक पार्किंग, फोर व्हीलर पार्किंग सारा आपको फाइनल मिलेगा। और सुनने में आ रहा है कि हाईटेक पार्क भी बनाया जा रहा है यहाँ पर बीच में। हाँ, पार्क बनेगा उस साइड में आपका, इधर भी पार्किंग बनने वाली है, और आपके 4 लाइन भी पार्किंग बनी है, जो बिल्डिंग ओल्ड है उसको तोड़ के नई बनेगी, और जो जगह मेंटेन है उसको और प्रोग्रेस किया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि स्टेशन के जस्ट बगल वाले लाइन में भी कुछ बन रहे हैं अपार्टमेंट्स, पार्किंग है, बिल्डिंग है, पार्किंग है ना, पार्किंग भी बनेगी उधर, बिल्डिंग भी बनेगी। आप बोल रहे हो आपको जो लैंड है उसको प्रोग्रेस किया जा रहा है और बढ़ा के। तो इसका टोटली बजट क्या है आप बता सकते हैं? लगभग ऐसे मिनिमम तो समझ जाइए कि 50 करोड़ के हिसाब से। 50 करोड़ बजट है टोटल ना, 50 करोड़ के हिसाब से इसका बजट। पटना में हम लोग रेलवे स्टेशन जो देखते हैं हाईटेक रेलवे स्टेशन,
में आ सकती है बाल लगभग में आ सकती है ना, आएगी वो। हाँ। क्योंकि प्रोग्रेस है रेलवे की तरफ से, जितना जितना आप इसको अच्छा करके दिखाएंगे उतना हाँ। अच्छा आपको मिलेगा आगे के लिए। सारे रेलवे स्टेशन को आप तोड़ के अच्छा खासा बनाया जा रहा है उसको, क्योंकि तो काम तो रेगुलर प्रोसेस में चल रहा है, प्रोग्रेस है, काम एकदम प्रोग्रेस में चल रहा है ना। थैंक यू सर। यहाँ पर पिच जो है काफ़ी पिच में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है पिच बनाने में, क्योंकि जो भी मैटर करता है आपका पिच पर मैटर करता है। अगर पिच मजबूत नहीं रहेगा तो रोड भी मजबूत नहीं रहेगा, तो इसीलिए देख सकते हैं पिच पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। और कुछ इस तरह वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह अपडेट्स है बाढ़ रेलवे स्टेशन का, और अभी मैं उस तरफ भी जाऊँगा आपको दिखाने के लिए, तो वीडियो में हमारे इन तक बने रहें। और यहाँ पर देख सकते हैं एक वहाँ से आपको रोड आएगा जो यहाँ पर आपको साइकिल स्टैंड देखने को मिलेगा। तो ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं लंबा, ये पूरे बस स्टैंड का प्लॉट है और यहाँ पर रेगुलर काम जारी है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो आप वहाँ से देख रहे हैं वो वहाँ से आपका रोड निकलेगी, वहाँ से आपका रोड निकलेगी और ये रोड आपका सीधा वहाँ तक चली जाएगी, ऐसे टर्न होकर के वहाँ तक चली जाएगी। कल कितने इंची का दीवार ढाला जा रहा है, कितना इंची का दीवार है ये? 10 इंची का। फ्रेंड्स देख सकते हैं पुराने वाले जितने भी टिकट काउंटर थे सभी टूट चुके हैं, और इधर भी काफ़ी अपडेट्स देखने को मिलेगा। तो अभी नया वाला टिकट काउंटर जो है वो आपका वहाँ पर है। तो फ्रेंड्स अभी मैं खड़ा हूँ बाढ़ रेलवे स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ से देख सकते हैं आपको एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा होगा दूर दूर तक। तो ये ग्राउंड नहीं, ये अपार्टमेंट के लिए एक स्पेस है जहाँ रेलवे के काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स बनेंगे। और इस वाले एरिया में जितने भी आपको देख रहे हैं वहाँ पर एक टंकी है, तो टंकी के जस्ट सामने में आपको अपार्टमेंट बनेंगे। तो वीडियो में बने रहें इन तक। तो चलता हूँ मैं अभी नीचे की ओर, का हो गया बुढ़नी चक एरिया, और इस तरफ से आप बुढ़नी चक चले जाएंगे उस तरफ। तो ये मैं बुढ़नी चक वाले एरिया में जा रहा हूँ। लाइन के इस तरफ जितने भी लोग आते हैं वो ग्राम पंचायत में आते हैं, और इस तरफ देख सकते हैं ये जितने भी आप झील देख रहे हैं ये सभी मिट्टी से भरा रहे हैं। देख सकते हैं आप, जूम करके मैं दिखाता हूँ। तो ये जितने भी आप झील देख रहे हैं इसको इट्टा मिट्टी से भरा जा रहा है, क्योंकि इसी में एक बड़ा सा ये फील्ड हो जाएगा और इसी फील्ड में आपको अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। ये कुछ इस तरह का इसका भी ग्राउंड है, मैं दिखाता हूँ आपको सिनेमैटिक शॉट में। तो फ्रेंड्स ये जो आप दूर दूर तक जितने भी प्लॉट देख रहे हैं ये सभी रेलवे के हैं, और ये सभी रेलवे के प्लॉट पर बनने वाले हैं एक बड़ा सा कंस्ट्रक्शन, जिससे मैं बोल सकता हूँ रेलवे का अपार्टमेंट बनने वाले हैं, जिसमें रेलवे के सभी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। तो ये पूरा इस तरह का ज़मीन है जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो कुछ ही इस प्रकार का आपका व्यू है और काफ़ी अच्छा है, बाढ़ में काफ़ी अपग्रेड देखने को मिल रहा है। तो मैं अभी हूँ बाढ़ के बुढ़नी चक में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम है वो नींब है वो रखा चुका है। वर्कर्स लोग जितने भी हैं वहाँ पर मैं बात करता हूँ उनसे। तो वीडियो में इन तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक पत्थर मंगाया गया है जो दानापुर से मंगाया गया है, सर बता रहे हैं, और पत्थर काफ़ी ठोस पत्थर है, इसको देख सकते हैं काफ़ी ठोस पत्थर है। तो जितने भी अपार्टमेंट बनेंगे सब में इसी ईंटे का उपयोग किया जाएगा, और ये इतना मोटा पत्थर है कि देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लें,
क्योंकि जितने भी छोटे बड़े अपडेट्स होते हैं मैं सबसे पहले इंस्टा पे बताता हूँ, और इंस्टा पे आप मुझे DM भी कर सकते हैं किसी भी प्रमोशन के लिए, पेड प्रमोशन के लिए, तो इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं, उसके रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा DM में। और इस ग्राउंड को बस कुछ ही दिनों में ये बनना स्टार्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर। तो अभी तो वो बस स्टैंड वाला कंस्ट्रक्शन उधर काम हो रहा है, और इधर भी नींव रखा चुकी है कंस्ट्रक्शन की। तो आज मैं बिल्कुल अकेले आया हूँ वीडियो शूट करने के लिए, आज कोई भी दोस्त लोग नहीं आए हैं, तो बिल्कुल अकेले शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहीं भी जाता हूँ तो आज लोग मुझे जानते हैं बाढ़ के यूट्यूबर के नाम से। मैं आपको 360 व्यू दिखाता हूँ यहाँ पर से आपको, तो ये कुछ इस प्रकार 360 व्यू। गाइस मैं अब बताता हूँ इसे किस चीज़ से भरा जा रहा है। तो इसे जो आप कचरा जो फेंकते हैं ना, उसी कचरे को इस राख में मिक्स करके इस एरिया को भरा जा रहा है। देख सकते हैं जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको जूम करके, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी कचरे हैं, और कचरे को राख में मिक्स करके दीरा वाले जितने भी राख होते हैं सभी को मिक्स करके इस एरिया को भरा जा रहा है, क्योंकि इसी में आपका अपार्टमेंट तैयार होगा। और मैं चलता हूँ अभी रेलवे का सबसे एंड पॉइंट वाले छोर पर कि रेलवे का ज़मीन कहाँ तक है, तो मैं चलता हूँ दिखाता हूँ आपको। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट करना ना भूलें। जो आप देख रहे हैं ये आपका एक रोड यहाँ से निकला गया है, तो ये रोड है ही रेलवे का एंड पॉइंट। तो जो ये रोड का एंट्री जो आप देख रहे हैं यहाँ से, तो यही है रेलवे का लास्ट ज़मीन। तो यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं रेलवे का ज़मीन काफ़ी बड़ी है। तो रेलवे काफ़ी 2024 और 25 में काफ़ी नए नए अपडेट्स देने वाले हैं बाढ़ रेलवे स्टेशन के। और ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये जितने भी आप कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं, ये सभी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहा है, जो बिहार में 52 स्टेशंस को रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो वैसे ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये आपका बाढ़ का पुराना वाला टंकी जो है आपका स्टेशन का 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो टंकी है, वो आपको इधर से आपको जितने भी एरिया देख रहे हैं ये सभी को भराया जाएगा, और इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन का निर्माण होगा। पहाड़ को एक नया नाम मिलेगा, एक नई पहचान मिलेगी, और एक बार शायद बाढ़ को ज़िला भी बनाया जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं क्या बाढ़ को ज़िला बनाना चाहिए या नहीं। कि भैया जी ने बताया कि ये जो आप कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था, तो ये टॉयलेट बन रही है और सबसे पहले इसी का निर्माण किया जा रहा है टॉयलेट का। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा अपडेट्स है बाढ़ रेलवे स्टेशन के लिए। फ्रेंड्स ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं ये भी रेलवे के हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाएगा बाद में। अभी तो मैं दिखाया आपको बस स्टैंड तैयार हो चुका है, बस उसमें बाउंड्री करना है चारों तरफ से, और उसके बाद बस स्टैंड तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार अपडेट्स रहा, पूरा भरा जाएगा ना इसे जरा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरफ जो बन रहा है ये आपको शौचालय बन रहा है। तो एक शौचालय मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था बिल्डिंग की तरफ, और एक तरफ इस तरफ भी शौचालय बन रहा है। तो ये देख सकते हैं ये भी ज़मीन आपका रेलवे की है, और एक अपार्टमेंट रेलवे का तैयार है उस तरफ देख सकते हैं। तो ये मैं जो एरिया में खड़ा हूँ आपको बाढ़ रेलवे स्टेशन वाला एरिया है, वहाँ पर देख सकते हैं मिठास आपको दिख रहा होगा। तो इस एरिया में बनाया जा रहा है शौचालय और कई सारे अपार्टमेंट्स बनेंगे उस तरफ। तो जो काम है बाढ़ रेलवे स्टेशन का वो प्रोसेसिंग पर है, लगातार जारी है। तो फ्रेंड्स बाढ़ रेलवे स्टेशन के जितने भी अपडेट्स थे मैंने सभी कुछ दिखाया आपको इसी वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो लोग को नहीं पता ये सारे अपडेट्स वो देख सकते हैं। और बाढ़ रेलवे स्टेशन जो नया लुक है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बाढ़ रेलवे स्टेशन का नया लुक है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। मैं पूरा वीडियो भी चला सकता था, क्योंकि वीडियो चलाने के बाद कॉपीराइट आ जाते हैं, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं चला पा रहा। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार अपडेट्स है बाढ़ रेलवे स्टेशन का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसी तरह एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, ब्लॉग में।